हेलो क्लास, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 13.2। इसके क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। 10 एंड 11 ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। ओके, नौ से क्वेश्चन नंबर 12। एंगल्स एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट, फाइंड इफ देयर एक्सटीरियर आर्म्स इन अ स्ट्रेट लाइन व्हेन। इसमें हमें बताना है स्ट्रेट लाइन दैट मीन्स कितने डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दैट मीन्स 180 डिग्री का, ठीक है। ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मीन्स 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो हमें यहाँ पे ये एडजेसेंट एंगल्स दिए गए हैं। सपोज़ किसी भी टाइप का एक दिया गया है हमें स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल, वो हो गया एडजेसेंट एंगल। तो ये हमारा 180 डिग्री का एंगल है, तो हमें यहाँ पे इसके एंगल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ इसमें बताना है फाइंड देयर एक्सटीरियर आर्म्स, तो इसके एक्सटीरियर आर्म्स क्या है वो पता करना है। तो दैट मीन्स इसमें हमें सिर्फ सिंपल वे में यस और नो में आंसर देना है कि ये स्ट्रेट एंगल्स फॉर्म करते हैं या नहीं। ओके, तो इसको कैसे देखेंगे हम, जो हमें एक्स एंड वाई, सपोज़ ये एक एंगल एक्स है दूसरा वाई है, तो इन दोनों की टोटल हमें 180 मिलनी चाहिए। अगर वो 180 है तो वो स्ट्रेट लाइन है, मतलब एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। तो जैसे 72 और 92, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं 72 एंड 92, तो इनकी टोटल कितनी आएगी। तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस, यहाँ पे 8 को प्लस किया तो ये 10, 1, 8, 8 प्लस 9 हमारा होता है 17। तो ये एंगल कितने डिग्री का यहाँ पे बन रहा है, 170 डिग्री का, लेकिन हमारा ये होता है 180 डिग्री का। तो ये एंगल यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल दोनों बन रहे हैं, ये हमारा स्ट्रेट एंगल नहीं बना रहे, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, नो। इसी तरह से आपको इसको भी देखना है, अगर इन दोनों की टोटल 180 आती है तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे, अदरवाइज़ नो। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सी, एक्स की वैल्यू यहाँ हमें दी गई है 2/3 राइट एंगल। राइट एंगल दैट मीन्स कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे 2/3 और हमारा 90 डिग्री दिया है, ये मल्टीप्लाई में, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मीन्स मल्टीप्लाई है। और वाई जो है दिया गया है हमारा 120 डिग्री का। अब हमें बताना है कि ये एंगल हमारा स्ट्रेट एंगल फॉर्म करता है या नहीं। तो हम इसको करेंगे, यहाँ कैंसिल करेंगे, जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसे हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 और ये 30 32 ज़ा 60 प्लस 120, दैट मीन्स टोटल कितनी आ रही, 180। तो ये हमारा स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, यस। इसी तरह से आपको डी वाला खुद से करना है, यहाँ राइट एंगल दैट मीन्स 90, राइट एंगल 90, तो इसको इसी तरह से जो कैंसिल होगा कैंसिल करना है, और फिर दोनों को प्लस करके हमें देखना है कि ये हमारा स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है या नहीं। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो इसको पहले आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया गया है, इफ़ एंगल ए ओ एंड बी आर कोलिनियर, ए ओ बी कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है जो एक ही लाइन पे होती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमें यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है एंगल ए ओ सी और बी ओ सी, इसमें हमें वैल्यू दी गई है एंगल ए ओ सी की 11x और बी ओ सी की दी गई 37 डिग्री। तो यहाँ पे जो x दिया गया है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो आइए हम अपना करते हैं यहाँ पे। तो देखिए बेटा, पहले तो हमें ये देखना है कि ये किस टाइप का यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो ये हमारा कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है हमारा लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री पे जो यहाँ पे एंगल फॉर्म करते हैं उसको कहते हैं लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर कितने की टोटल कितनी होती है, ये पूरा लीनियर पेयर मीन्स स्ट्रेट लाइन, ये पूरी 180 डिग्री की होती है, जिसमें से इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। सो हम यहाँ आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला 11x हमारा ये लीनियर पेयर है, सो हम यहाँ लिखेंगे बाय लीनियर पेयर इक्वेशन। ओके, तो लीनियर पेयर इक्वेशन का क्या मतलब होता है,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे x किस को मान रहे हैं, 11x, और y क्या है हमारा 37 डिग्री, ओके। और इसकी टोटल कितनी है 180। इसको सॉल्व करेंगे, हम 11x को यहीं रख रहे हैं, 37 हमारा कांस्टेंट है, इसको इक्वल के राइट हैंड साइड में यहाँ कांस्टेंट है तो उधर लेके जाएंगे। 180 में से 37 को हम माइनस करेंगे, ये 11x और 180 में से 37 को हमने माइनस किया तो 143 डिग्री, ओके। फिर x को हमने यहीं रखा है और यहाँ 11 को हम इक्वल के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो डिवाइड में, ओके। हमने इसको 143 को 11 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 13। तो x की वैल्यू हमें क्या फाइंड हुई है यहाँ पर, 13, क्लियर। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से बेटा आपका बी और सी भी है। बी और सी में देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, आप लोग उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। बी और सी में देखिए, हमारा यहाँ पे ये भी स्ट्रेट लाइन एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये 180 डिग्री की टोटल होती है। इसमें हमारा यहाँ पे हम एक्स वाई और जेड यहाँ पे 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, तो हमने एक्स वाई जेड कर दिया इसमें, तो तीनों को आपको प्लस करना है, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसके बाद फिर एक्स और वाई और जेड, ये तीनों वैल्यूज आपको रखनी है और तीनों को क्या कर देना है, प्लस। उसके बाद एक्स वाले टर्म को एक साइड करना है और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड रख देना है, उसके बाद आपको इसे प्लस करके सॉल्व करना है। जैसे कि आइए मैं इसको दिखाती हूँ, यहाँ आपका बी वाला जो है ये हमारा था ए, नाउ सी बी। बी वाले में देखिए, आपको लीनियर पेयर के हिसाब से एक्स वाई जेड कर दिया, हमने यहाँ एक्स की वैल्यू लिखा है एक्स प्लस 15 ये ब्रैकेट, देन प्लस एक्स प्लस 5 ये होल ब्रैकेट डिग्री, प्लस 50, और इन सब की टोटल होती है हमारी 180, ओके। अब हम अपने यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन कर रहे हैं, एक्स प्लस 15 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 50 इज इक्वल टू 180। यहाँ देखिए एक्स वाले यहाँ पे जो है एक्स प्लस एक्स 2x, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे प्लस किया 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 50 70 इज इक्वल टू 180। अब आप यहाँ पे जैसे हमने यहाँ किया था, x वाले टर्म को यहीं रखेंगे, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, उसके बाद फिर x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ओके। सेम इसी तरह से आपको c भी करना है, c वाला भी देखिए, c वाले में हमारा x है x प्लस 10, और यहाँ देखिए बेटा फिगर में हमारा जो दूसरा हमने जो जिसे y सपोज किया है, इसमें कोई वैल्यू दी नहीं गई है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन देखिए इस तरह से हमारे पास एक एंगल फॉर्म हो रहा है, और यही जहाँ पे इस तरह का साइन बना होता है एंगल्स में, वो कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमारी वाई की वैल्यू जो है वो कितनी है, 90, फिर प्लस 30, और सबकी टोटल कितनी होगी, 180 डिग्री। तो आप इसे भी सेम बी की तरह ही सॉल्व करेंगे, ओके। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका दिया गया है, इन द गिवन फिगर ए एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। जो हमारा एंगल ए बी सी ये टोटल कितना है, 120 डिग्री का, एंड पी इज टू क्यू इज टू आर इज इक्वल टू 3:4:3, फाइंड द मेजर ऑफ पी क्यू एंड आर। तो हमें पी क्यू और आर इस इन एंगल्स की मेजर कितने डिग्री का एंगल है, ये मेज़र हमें फाइंड करना है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरा एंगल जो हमें दिया गया है कितना, 120 डिग्री का, तो और इसमें इस एंगल में कितने एंगल्स है, पी क्यू आर 3 है, तो सेम उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए करते हैं, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ये तीन एंगल मिला के एक एंगल फॉर्म हो रहा है, और वो टोटल कितने डिग्री का दिया गया है, 120 डिग्री का, ओके। तो अब हम यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुट करेंगे, हम क्या सपोज करेंगे, वेट बेटा ये लाइन हम बाद में यूज़ करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, लेट एंगल पी
इज इक्वल टू कितना दिया गया है एंगल। यहाँ देखिए बेटा हमें P की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ जो P Q R तो P की वैल्यू 3, Q की वैल्यू R सॉरी Q की वैल्यू 4 और R की वैल्यू क्या होगी 3। तो ये एग्जैक्ट नहीं है इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल P इज इक्वल टू 3x, ओके, एंगल Q इज इक्वल टू 4x एंड एंगल R इज इक्वल टू 3x, ओके। नाउ अब हम अपना ये वाला यहाँ पे लाइन लिखेंगे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब हमारा देखिए एंगल P कितना है, 3x प्लस एंगल Q 4x प्लस एंगल R 3x इज इक्वल टू 120। अब आप इसी तरह से x की वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे, हम सब ये सारे x वाले हैं सबको प्लस करेंगे, यहाँ पे 6 प्लस ये हो गया 10x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 अपॉन 10। नाउ ये 10 0 0 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू क्या हो गई 12। तो अब हम अपनी ये जो x की वैल्यू है वो कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो इससे हमें P Q R इनकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जैसे हम 3x है तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 3 इंटू एक्स की वैल्यू 12 आई है, 12 थ्री ज़ा 36 डिग्री, 4 इंटू 12 इज इक्वल टू 48 डिग्री, नाउ 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36 डिग्री। दैट मीन्स एंगल P हमें P, Q एंड R इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सो हमें P की वैल्यू फाइंड हुई है 36 डिग्री, Q 48 डिग्री एंड R इज इक्वल टू 36 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15। इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पे हमें एक फिगर दिया गया है, इसमें सारे एंगल एक दूसरे से जॉइंट है। इसमें देखिए हमारा ओ सी एंड ओ डी आर द बायसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ ई, इसमें जो ओ सी ये रहा, ओ सी एंड ओ डी ये दोनों क्या है, बायसेक्टर है, और ये किसको बायसेक्ट कर रहे हैं, एंगल बी ओ ई, बी ओ ई, बी ओ ई को ओ सी बायसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एंगल ए ओ ई, ए ओ और ई इसको ओ डी ये टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ओके। नाउ कैलकुलेट एंगल सी ओ डी इफ एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू 125 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल सी ओ डी हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ओके स्टूडेंट्स, और जिसमें हमें एक की वैल्यू दी गई है एंगल ए ओ ई, ए ओ ई ये एंगल हमें दिया गया है 125 डिग्री का। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें दिया गया है सबसे पहले जो हम गिवन है वो लिख ले रहे हैं, एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू 125 डिग्री, ये हमें गिवन है। अब हम देखिए हम यहाँ पे अपना अब लीनियर पेयर इक्वेशन यूज़ करेंगे, वो इसलिए क्योंकि ये देखिए ये वन लाइन स्ट्रेट लाइन पे ये सारे एंगल फॉर्म हो रहे हैं, जिसमें से देखिए इतने एंगल की हमें वैल्यू दी गई है, ठीक है, ये वाले एंगल की वैल्यू हमें दी गई है, तो जो बचे हुए एंगल है उनकी वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। सो बाय यूजिंग लीनियर पेयर इक्वेशन, ओके, तो हमारा क्या है यहाँ पे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लीनियर पेयर होता है हमारा 180 डिग्री का, जिसमें ये देखिए 125 हमने x को कितना सपोज किया 125, y हमें फाइंड करना है और ये 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 अपॉन 125। सो y की वैल्यू हमें यहाँ पे जो फाइंड होंगी वो लिखना है, सॉरी बेटा यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस में है तो इक्वल के इधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, 180 में से 125 को हम माइनस करेंगे तो 180 में से 125 माइनस करेंगे तो ये आएगा 5,
सो वाई की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 55 डिग्री। तो दैट मीन्स जो हमारा रिमेनिंग एंगल्स यहाँ बचा है वो टोटल 55 डिग्री का हो गया, ये पूरा 125 का हो गया। अब देखिए हमारे पास जो एंगल ए ओ ई ये दिया गया है 125 डिग्री, एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू 125 डिग्री। बट जो हमारे पास दिया गया ए ओ ई, इसमें ओ डी, ओ डी क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है, ओ डी क्या है, बाइसेक्टर है किसका, ए ओ ई का। दैट मीन्स 125 को ये टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 125 को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। सो 6 2 12 और 2 2 4, 2 5 10, दैट मीन्स हमें जो एक एंगल मिल रहा है, इसमें देखिए बेटा फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हमारा ए ओ ई ये एंगल, ये एंगल हमारा 125 का है, हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये एंगल एक हो गया ए ओ डी और डी ओ ई, ये इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। दैट मीन्स यहाँ लिख रहे हैं एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ई, इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया तो कितना आया 62.5 डिग्री, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। टू पार्ट्स में डिवाइड हमने इसलिए किया है कि जो हमें फाइंड करना है एंगल सी ओ डी, सी ओ डी ये फाइंड करना है, तो हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो ये पूरे एंगल की 125 है, तो हमें सिर्फ इधर से इतने एंगल की लेनी है। तो इसको क्या करेंगे, जब टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें इस एक एंगल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो बचा हुआ जो ये एंगल है इसका भी हमें फाइंड करना होगा। अभी हमने जो फाइंड किया 55, ये पूरे एंगल का है, ओके, तो ये हमें मिला है 62.5 डिग्री। अब इसी तरह से हम दूसरे एंगल को भी करेंगे, यही सेम मेथड हम यहाँ यूज़ करेंगे, एंगल बी ओ ई ये हमें मिल गया 55 डिग्री का, लेकिन जो ओ सी है वो किसका बाइसेक्टर है, ये बी ओ ई का बाइसेक्टर है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू दी गई, हमने फाइंड की 55, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ हो गया 2 2 4, 2 5 10 और ये 2 2 4 27.5, ओके। तो हमें जो एंगल, इसमें भी टू एंगल्स फाइंड हुए हैं, हमें एंगल बी ओ सी बाइसेक्ट होने के बाद टू एंगल फाइंड हुए हैं, जिसमें से एक एंगल की वैल्यू है 27.5 और दूसरे एंगल की वैल्यू भी सेम होगी, वो दूसरा एंगल है सी ओ ई, इन दोनों की वैल्यू कितनी है 27.5 डिग्री। अब देखिए जो हमें एंगल फाइंड करना है सी ओ डी, दैट मीन्स सी ओ डी एंगल सी ओ डी ये कैसे बन रहा है, ये एंगल सी ओ ई और एंगल डी ओ ई इन दोनों को मिला के बन रहा है, तो इन दोनों की वैल्यू को अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो एंगल सी ओ ई, हमारा एंगल सी ओ ई ये रहा, इसकी वैल्यू दी गई है 27.5 डिग्री, और एंगल डी ओ ई, डी ओ ई हमारा है 62.5 डिग्री। दोनों को आप यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे 5 + 5 = 10, 8 + 2 = 10, 9। तो हमारा जो एंगल बनेगा, एंगल सी ओ डी, ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें जो एंगल सी ओ डी ये फाइंड करना था, तो एंगल सी ओ डी हमारा 90 डिग्री का यहाँ पे फाइंड हो गया है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा आपका, इसमें हमें दिया गया है इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पे फिगर को ज्वाइन किया गया है एडजॉइनिंग ए बी इंटरसेक्ट, ए बी इंटरसेक्ट सी डी, ए बी सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब काट रहा है एट पॉइंट ओ, ओ पॉइंट पे काट रहा है, और इस इंटरसेक्ट करने के बाद यहाँ जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उसमें एंगल बी ओ सी, बी ओ सी ये दिया गया है 40 डिग्री का। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स
y एंड z, x, y एंड z, ये एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमें एंगल बी ओ सी ये दिया गया है 40 डिग्री का। ओके, अगर एंगल बी ओ सी 40 डिग्री का है तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले बाय यूजिंग लीनियर पेयर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये देखिए पूरा हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर लीनियर पेयर इक्वेशन यहाँ यूज़ कर रहे हैं। ये स्ट्रेट लाइन पे, यहाँ पे देखिए ये टू एडजेसेंट एंगल बना रहा है और ये 180 डिग्री के एंगल पे बना रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लीनियर पेयर इक्वेशन बनाएंगे। अब देखिए लीनियर पेयर इक्वेशन हमारा कौन कौन सा बन रहा है? एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी, और इन दोनों की टोटल कितनी होगी? 180 डिग्री। लीनियर पेयर की टोटल हमेशा कितनी होती है? 180 डिग्री की। तो हमारा जो एंगल बी ओ सी है ये दिया गया है हमें 40 डिग्री, ये हमें फाइंड करना है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे? x और टोटल 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 40, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो हमें x की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई है? 140 डिग्री। ओके, अब देखिए बेटा, अगर हमारा एंगल x की वैल्यू 140 फाइंड हुई है तो x के ऑपोजिट में देखिए क्या है? z है। तो ये हम यहाँ पे बाय ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, तो वर्टिकली जो ऑपोजिट एंगल होता है हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये क्या होते हैं? सेम होते हैं। सो एंगल x इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 140 डिग्री। ये क्यों होगा ऐसा? हम यहाँ पे रीज़न लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट। ओके, यहाँ पे होगा वर्टिकली अपोजिट, और ये क्या है? एंगल। इस फॉर्मूले से, इस रूल से ये एंगल x और एंगल z सेम होंगे। अगर x और z की वैल्यू निकल गई है, अब हमें क्या निकालना है? y की। तो देखिए अगर हमारा एंगल BOC और एंगल ए ओ डी ये दोनों भी सेम होगा, अगर एंगल बी ओ सी 40 डिग्री का है तो एंगल ए ओ डी भी कितने का होगा? 40 डिग्री का होगा। ये 40 डिग्री का क्यों होगा? क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू होगा। ये 40 का है तो इसके अपोजिट में ये एंगल है, दैट मीन्स y की वैल्यू हमारी कितनी फाइंड होगी? 40 डिग्री की। दैट मीन्स हमें फाइंड क्या करना था? x, x की वैल्यू हमें मिली है 140, y 40 एंड z हमें कितना मिल गया है? 140। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी लास्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसे भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए बेटा, मैं इसमें टू क्वेश्चंस हैं, मैं आपको a वाला बता रही हूँ, b वाला आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। ओके, नाउ सी केयरफुली। इस फिगर में देखिए हमें x और y की, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें x और y कहाँ है। ये रहा हमारा x और ये रहा y, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें भी देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आप दो तरीके से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप इसमें लीनियर पेयर का इक्वेशन लगाएंगे। लीनियर पेयर का इक्वेशन देखिए आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो इस पर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टू एंगल्स ले लीजिए, एंगल डी सी ई और एंगल ई सी ए। अगर आप यहाँ ये कर सकते हैं, चलिए हम यही वाला एंगल ले रहे हैं यहाँ पे, मैं इसका फिर दूसरा भी आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें हमें एंगल दिया गया है बाय यूजिंग लीनियर पेयर इक्वेशन। इसके थ्रू हम ले रहे हैं, इसमें कौन कौन से एंगल ले रहे हैं? एंगल डी सी ई प्लस एंगल ई सी
ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर इक्वेशन हमारा 180 डिग्री का होता है, जिसमें एंगल डी सी ई हमें दिया गया है 60 डिग्री का, और ये एंगल हमें फाइंड करना है जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है, एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम उसी तरह से 180 में से हम 60 को क्या कर देंगे, माइनस, तो एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है यहाँ पर, 120 डिग्री। ओके, तो हमें एक्स की वैल्यू यहाँ फाइंड हो चुकी है। अब देखिए बेटा, हम फिगर में थोड़ा समझते हैं। ये एंगल हमें मिल गया है 120 डिग्री का, एक्स की वैल्यू। नाउ अब हमें वाई निकालना है, तो वाई को हम किस तरह से निकालेंगे, तो वाई को निकालने के लिए सबसे पहले हम इधर ट्रायंगल पे आएंगे। इस ट्रायंगल में हमें ये एक 40 डिग्री का दिया है। अब देखिए इस एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, अगर ये एंगल 60 का दिया है तो ये एंगल भी 60 का होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, अगर ये 60 डिग्री का है तो अभी हम y की वैल्यू निकालेंगे। सो हम लिख रहे हैं यहाँ पर एंगल डी ओ ई प्लस इज इक्वल टू एंगल बी सी ए और ए सी बी, ये भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 60 डिग्री का। क्यों? हम यहाँ पे रीज़न लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, ये रीज़न हमने लिख दिया है। अब हमें पता है जो हमारा ट्रायंगल होता है, इस ट्रायंगल की वैल्यू टोटल कितनी होती है। सो एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी, ये हमारा होता है 180 डिग्री का, जिसमें एंगल ए हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल बी की वैल्यू हमें दी गई है 40 डिग्री, और प्लस एंगल सी, एंगल सी अभी हमने निकाला यहाँ पर ट्रायंगल का, ये 60 डिग्री कैसे आया है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सेम एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 40 प्लस 60, ये हो गया हमारा 100 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 180 में से हमने 100 को माइनस किया तो हो गया 80 डिग्री। ओके, तो हमारा एंगल ए जो हमें फाइंड हुआ है वो कितना हो गया, 80 डिग्री का। तो अब हम एंगल ए फाइंड हो गया, अब हम एंगल वाई की वैल्यू इजी वे में निकाल सकते हैं। अगर हमारा एंगल ए हमारा 80 डिग्री का है तो एंगल वाई तो वाई की वैल्यू क्या होगी, वो भी 80 डिग्री की ही होगी। 80 डिग्री की क्यों होगी, वर्टिकली अपोजिट। तो बस इसी को हमें यहाँ लिखना है। तो एंगल ए जो है हमारा बी ए सी, ठीक है, हम ये ले रहे हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल जी ए एफ इज इक्वल टू 80 डिग्री। रीज़न हम यहाँ देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, दैट मीन्स हमारा एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना था, तो एक्स की वैल्यू मिली है 120 डिग्री और वाई की वैल्यू हमें मिली है 80 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? सो इसी तरह से आपका एंगल बी है, क्वेश्चन नंबर बी है, वो भी आप इसी तरह से फाइंड करेंगे। जो है यहाँ पे वैल्यूज दी गई है, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला रूल यूज़ करेंगे, ठीक है, और जिनकी निकालनी है उसमें आप लीनियर पेयर इक्वेशन यूज़ करके फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ग्रुप में शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।